Lupt ka title track, hum log already sun chuke hai. And it is haunting as a song can be in a movie like this. Directed, music directed by Siddharth Parashar. And I would like to present the song once again over here. जो वो रोंगटे खड़े हुए हैं वो थोड़े से और खड़े हो जाएंगे इस गाने को सुनने और देखने के बाद. सो लेट्स हैव द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म लुप्त प्लीज, जिसके लिए उर्मिला जी आई हुई हैं. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. जोरदार तालियां हो जाए फॉर द प्रिटी लेडी. आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ की लास्ट में जाकर के मैं अक्नॉलेज करूँ, सो आई हैड टू ऑब्वियसली टॉक अबाउट यू. बट येस, जो गाने का हम इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए हम थोड़ा सा और इंतज़ार कराएंगे आपको. वो जो क्या है ना कि भूत जो है वो फर्स्ट हाफ में ही सामने नहीं आ जाते, लास्ट हाफ में क्लाइमैक्स के टाइम पर आते हैं. सो लेट्स वेट फॉर दैट. बट बिफोर दैट, फन एंटरटेनमेंट्स के हेड होंचोस द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म लुप्त मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी. हनुमंत खत्री जी एंड ललित खिरी जी को कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज सर. Thank you so much. Congratulations on this wonderful film. सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि you know, आपके बैनर के अंडर आप इतनी सारी फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, तो why लुप्त? ऐसा क्या सोचा आपने, क्या देखा आपने कि ये फिल्म जो है इस फिल्म को बनाना चाहिए? Horror is my favorite genre. Oh really? Number one, yes. Same pinch. Yeah, and when I hear the subject and the script from Prabhu Raj, I quite liked it. Yeah. I believed in it, and then I decided to go for it. क्या बात है? Actually आपने प्रभु जी की बात की है तो मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, प्रभुराज जी की ये पहली फिल्म, वैसे मैं तो ऐसा नहीं मानूंगी क्योंकि इतने साल हो गए हैं इन इंडस्ट्री में, लेकिन एज अ डायरेक्टर यू नो ही स्टार्टिंग ऑफ विद दिस, कैसा लगा आपको? क्या था जो कि आपका विश्वास जो था वो आ गया कि बस? प्रभुराज जी ने जो सब्जेक्ट जो लुक दिया वो अपने आप में यूनिक था, ठीक है ना. और जो इनकी स्टोरी जो मैंने सुनी थी तो मेरे को पहले ही इनके जो दिखाने में ये लगा कि लुप्त एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पब्लिक को लुप्त करेगी. और डेफिनेटली, और मेरे को लगता है ये मूवी हर पब्लिक को, जैसा अभी जो चल रहा है जैसे हॉरर मूवी का जो चलन, उसमें लुप्त हमारी आज की जितनी भी आई मूवी उसमें सबसे बेस्ट है. और एवरी वन हैव मेड द वेरी गुड एक्टिंग. जावेद जी का तो जितना करे तारीफ उतनी कम है. थैंक यू सो मच. आप ही लोगों के विश्वास के कारण ये फिल्म हमारे सामने आई है. इतनी बात हो ही चुकी है तो हम आपको वहाँ कैसे बैठे रहने दे सकते हैं. द कैप्टन ऑफ द शिप प्रभु राज जी ऑन स्टेज, द वंडरफुल डायरेक्टर मेकिंग हिज डेब्यू विद द फिल्म लुप्त, हु हैज बीन हियर इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 18 ईयर्स नाउ. आरजीवी जी के साथ में आपने शुरुआत किया था, राम गोपाल वर्मा जी के साथ लंबा काम किया है, उर्मिला जी के साथ में भी, विजय राज जी के साथ में भी, अ लॉट ऑफ पीपल यू नो हु आर अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, यू ऑलरेडी वर्कड विद देम बिफोर, एंड दिस येट नर्वस अबाउट इट, बट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट भूत हूँ मैं. हम ये गाना अभी तक सामने लेकर आए नहीं हैं लोगों के, उसके लिए इंतजार करा रहे हैं. बट आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट द मेमोरीज दैट यू हैव रिक्रिएटेड, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सिर्फ गाना रिक्रिएट नहीं हो रहा है, उस जमाने की टीम को भी आपने रिक्रिएट कर दिया है. कैसे किया है बताइए ज़रा. थैंक यू मीडिया एंड द गेस्ट हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. हाँ, कहाँ से शुरू करें? तो भूत के गाने के बारे में पूछ रही हो आप रुचि. Yeah, this is very special for me and also for the film because Bhoot Hoon Main, ye jo song hai, 15 saal ho chuke hai is gaane ko, aur 15 saal ke baad humne usi team ko, matlab coincidentally ye sari team saath mein aayi hai aur Bhoot Hoon Main ye recreate hua hai. To sabse pehle main kehna chahunga ke भूत ये काफ़ी पॉपुलर फिल्म रह चुकी है जनता में, एंड पीपल हैव अप्रिशिएटेड इट, एंड आई एम वेरी लकी दैट एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आर वेरी लकी दैट वी गॉट दैट फिल्म, मीनिंग सॉरी द सॉन्ग, वी गॉट दैट सॉन्ग. पहली खुशी गाना मिलने से हुई हमें. अब उसके बाद में बात ये आई कि ओके फाइन, इस गाने को कोरियोग्राफ कौन करेंगे, डायरेक्ट कौन करेंगे? तो शबीना खान. अरे क्या बात है. शबीना खान अभी यहाँ नहीं है, वो इजिप्ट में है, शूट कर रही है.
तो भूत हूँ मैं जो पहली भूत बनी थी 2003 में, तो शबीना खान ने ये कोरियोग्राफ और डायरेक्ट किया था। फिर से लुप्त के लिए जब गाना बना तो दोबारा हमने शबीना खान से कोरियोग्राफ और डायरेक्ट करवाए गाना, तो आई राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शबीना। वंडरफुल। एंड अब गाने की बात आती है जी। तो सुनिधि चौहान ने पहली फिल्म में भूत हूँ मैं ओरिजिनल सॉन्ग शी संगीत बिल्कुल, और दोबारा वी रिक्रिएटेड एंड अगेन सुनिधि इज नॉट हियर फॉर एट द मोमेंट एंड सुनिधि इज संग द सॉन्ग, सो थैंक यू वेरी मच सुनिधि, वी लव यू। एंड जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो इट वॉज वेरी नॉस्टैल्जिक, 15 साल पीछे चले गए हम। एंड अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे जो अभी हमारे बीच है एज अ स्पेशल गेस्ट उर्मिला जी, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उर्मिला प्लीज। सो उर्मिला जी, उर्मिला मातोंडकर वॉज अगेन इन भूत और उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया, ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद की और ये भूत एक कल्ट फिल्म से के नाम से जानी जाती है, और जब भी हम भूत कहते हैं तो हम उर्मिला सामने आती है, मत वो सामने आती है मतलब उनका चेहरा, मैं वही बोलने वाली थी, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग, उर्मिला सामने आती है मतलब वो बहुत खूबसूरत है जी, बिल्कुल। फिल्म के लिए उन्हें थोड़ा सा हॉरिफाइंग परफॉर्मेंस देना पड़ा, तो बहुत बेहतरीन काम किया। आज सबसे खुशी की बात यह है कि उर्मिला जी इज अनवेलिंग अवर सॉन्ग भूत हूं मैं, तो इतनी सारी यादें जुड़ी है उर्मिला के साथ भूत हूं मैं के गाने के साथ। रुचि, इन सभी यादों को हम फिर से आपके सामने लेकर के आने वाले हैं, बिकॉज यू नो आई कैन नॉट वेट टू एक्चुअली गो बैक 15 years, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द कास्ट ऑफ द फिल्म वन बाय वन, एंड टू स्टार्ट विद आई थिंक द मोस्ट टैलेंटेड एंड द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर इन द इंडस्ट्री, जावेद जी, जावेद जाफरी ऑन स्टेज। एंड वन मोर थिंग अबाउट द सॉन्ग, ये हमने सोचा ज़रूर था रिक्रिएट करने का, लेकिन विक्की एंड हार्दिक इन ये हमारे इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने रिक्रिएट किया, बहुत बेहतरीन गाना बनाया, सो जोरदार तालियां प्लीज़, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू जावेद जी। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द फिल्म फॉर सम टाइम। जावेद जी, आपका चेहरा देखते हैं तो हम पता नहीं क्यों हॉरर नहीं सोच पाते हैं, थ्रिलर नहीं सोच पाते हैं, यू नो वी सी यू एज दिस फनी गाय, और मे बी यू नो दिस गाय, वी वांटेड टू मेक अ फनी हॉरर फिल्म, पर पहले स्त्री आ गई तो मतलब भगा नहीं करना। नो बट यू नो हाउ एक्साइटेड वर यू देन इतना एक अलग टाइप के कैरेक्टर के लिए? मैं एक जेन्युइनली बात बोलता हूँ, जब मुझे अप्रोच किया गया और प्रभु भाई अप्रोच्ड मी, आई नॉर्मली क्या होता है, जो आपने कहा ना कि एक प्री सेट नोशन होता है, कि जब मैं शुरू में मैंने एंट्री ली थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मुझे ऐसे रोल मिलते थे जहाँ पे मेरे बेडरूम में एक माइकल जैक्सन का पोस्टर होता था, मतलब दैट वॉज फिक्स्ड, दैट वॉज यू। फिर मैंने टेलीविजन कॉमेडी में आया, तो फिर कॉमेडी फिर यू नो, तो पीपल डोंट कम आउट ऑफ इट एक्सेप्ट एक दो तीन दो फिल्में की मैंने बीच में, फायर एंड ओ डार्लिंग, बट व्हेन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड देखिए दिस इज अ टोटली सीरियस रोल, मतलब देयर इज नथिंग फनी इन द कैरेक्टर, वो जोक भी नहीं मारता है, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड के ही लुक्ड बियॉन्ड एंड ही सॉ एन एक्टर एंड कहा ये नहीं, ये एक्टर मुझे इस्तेमाल करना है एंड इसको मैं जितना निचोड़ सकता हूँ काम इसमें, आई थिंक आई कैन, एंड आई अप्रिशिएटेड दैट, एंड फॉर मी इमीजिएट रिस्पेक्ट वॉज दैट दिस मैन इज सीइंग मी बियॉन्ड माई इमेज, सो मैं जब एंटर हुआ प्रोजेक्ट में, आई केम इन विद अ रिस्पेक्ट फॉर द डायरेक्टर, के नो द गाय इज अ डायरेक्टर हु सीज जस्ट बियॉन्ड द सर्फेस, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लगी, सो देन व्हेन आई केम इन द फिल्म आई वॉज टोटली चार्ज, कि नहीं देर इज द बिलीफ एंड आई बिलीव इन द प्रोजेक्ट, सो इट्स अ वेरी वेरी टाइट एंड सॉलिड प्रोजेक्ट, या दैट्स सो गुड। प्रभुराज जी, सब कुछ वापस घूम करके आप तक आ जाता है, दैट यू नो यू एक्चुअली गॉट सच अ ग्रेट टीम अवार्ड, एंड दैट इज वाई मैं आपकी टीम से ही अगले बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज करण आनंद। कम ऑन।